देश में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। हाल ये हो गए हैं कि अस्पतालों का भी हाल बेहाल हो गया है। अस्पतालों में लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, तो कई अस्पतालों में तो बेड्स की कैपेसिटी भी फुल हो चुकी है। लोग इलाज के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं और जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। ऐसे में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरियाणा के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आए हैं। बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है और टीम दीपेंद्र के नाम से सोशल मीडिया पर दीपेंद्र हुड्डा के वॉलंटियर लोगों की मदद कर रहे हैं। बता दें कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा की टीम लोगों की जरूरत के अनुसार उन्हें प्लाज्मा, ऑक्सीजन व अन्य सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर लोग दीपेंद्र हुड्डा का धन्यवाद कर उन्हें बेहतर कार्य के लिए बधाई भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर संदीप सिंह नाम के यूजर्स ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपकी एक कॉल की वजह से दिलजीत कौर की सहायता हुई और अब उसे वेंटिलेटर मिल गया है। दीपेंद्र हुड्डा ने भी टीम के कार्यकर्ता का धन्यवाद करते हुए ट्वीट कर अपनी टीम पर गर्व जताया। इसी तरह से कैथल के निजी अस्पताल में एक व्यक्ति को बी पॉजिटिव प्लाज्मा की जरूरत थी, जिस पर दीपेंद्र हुड्डा की टीम ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अस्पताल में प्लाज्मा पहुंचाने का काम किया। अस्पताल में प्लाज्मा पहुंचने पर जरूरतमंद व्यक्ति ने दीपेंद्र हुड्डा टीम का धन्यवाद किया। जिस तरह से कोरोना की इस महामारी में सरकार लोगों की मदद कर रही है, तो वहीं विपक्ष भी इस महामारी में अपना सहयोग देने से पीछे नहीं हट रहा है और कोरोना की इस महामारी में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की टीम भी योद्धा की तरह जुटी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।